बसंती चमन में चहकी जालके हूँ, बसंती चमन में चहकी जालके हूँ, बसंती चमन में चहकी जालके हूँ, बसंती चमन जालके हूँ, उमर ऐसने हा बहक जालके हूँ, उमर ऐसने हा बहक जालके हूँ। जब कोनो माई अपने बेटी के गावे खातिन छूट देले होई, तबे वो बनल होई भोजपुरियन के आँखी के सपना, और तबे बनल होई हमनी के जज आदरणीय कल्पना। देखी इनका पर जवानी बाटे, इनका पर नशा बाटे, जनता के पसंद के, जनता इनके पसंद के लिए भी, तबे वो जनता के पसंद बनल होई, तबे वो कलाकार से सुपरस्टार बनल होई। जोरदार ताली से स्वागत करी हमनी के रवि किशन, इन्हों पर जवानी बा। आया आज इनका पे बा, कल तोहरा पे आईया, जे इनका पे बा कल। रवि भाई गावे के मन करता थे, बहुत गावे के मन करता, कहे कि हम जाना था नहीं कि जनता हमनी के पसंद करत या बहिन, काल नहीं करी तो कोनो बात नहीं, घरे सूत जाई जाई। जब कोनो पति अपने एगो पत्नी के गावे खातिन छूट देले हो, जब वो करा से कले हो कि तू आईएएस ऑफिसर मत बन, तू हमरे दिल के रानी बाड़ी, तोरे स्वर में हम समझ लेब कि दुनिया के सारा आईएएस अफसर हमरे पत्नी में समाइल बाड़े, तबे वो बनल होई गली गली बस्ती बस्ती चर्चा में आवे वाली मालिनी अवस्थी। दुलरला से ज्यादा सह की जालके लरला से ज्यादा सह की जालके हूँ, दुलरला से ज्यादा सह की जालके हूँ। जनता के पसंद, हम बार बार जनता के पसंद के बात ऐसे करत हनी, कहे कि आज हमनी के एपिसोड जनता के पसंद पे ही आधारित बा। जनता का पसंद कर दिया, जनता जे के पसंद करी वही कलाकार सुपरस्टार हो जाए। मालिनी जी, मुझे लगता है कि आज का जो एपिसोड है वो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और डिसाइडिंग एपिसोड होगा उत्तर प्रदेश के लिए। शुरू करे का हमने के ई खेला, ओकरा में चौथा कुर्सी खाली बाटे ओकरा के भरले के बाद, और आज जो कुर्सी पे बैठी है हमने के भोजपुरी सिनेमा एगो अभिनय देखे आप लोगन के इंटरटेन के लिए बाड़े, आज हमनी के अतिथि जज बाड़े विनय आनंद खुशबानी जा, जवन सुर लगौल के न कि जो गुरु शरण में आया उसने ही सब कुछ पाया। ये तो जो छओ महायोद्धा लोग बा न, इ लोग के बोला कि जवन भी जज साहब लोग कहें ओके गुरुवाणी समझ के सुने, कल्याणे होई। आई रहो अपने कुर्सी पे बैठाओ। न्याय मंडल के आदेश लेके हम शुरू कर रहल बानी भोजपुरी संगीत के एक अनोखा महासंग्राम, जौना में घमासान बाटे दो प्रदेश के बीच, के बचाई अपने प्रदेश के सम्मान, के बनी अपने प्रदेश के शान। भोजपुरी के सिरमौर बनी यूपी या बिहार, अब बुला रहल बानी ओके शुरुआत करे खातिन ओह महायोद्धा के जे बाटे बिहार के आन, जिनकर चर्चा बाटे घर घर, जाहिद अनवर।
आपके बारे में जनता का सोचतिया, हमनी के जनता के बीच में गैली जा और जाहिद भाई खातिर का रिस्पॉन्स बा आप लोग के सामने बाटी। जाहिद भाई आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज में मोहम्मद रफी की आवाज और मुकेश की आवाज मिलती जुलती आवाज है। जाहिद जौन तू भजन सुनौले रहला अभिन राम जी के निकले सवारी, वैसन भजन तो मोहम्मद रफी ही गा सके। जाहिद तुम बहुत अच्छा गाते हो और हमारी ख्वाहिश है कि तुम कौने दिशा में लेके चला रहे बटोहिया सुना दो। तो से हमारे एगो रिक्वेस्ट बा कि नदिया के पार का एक गाना सुना दा, यही हमारे दिली तमन्ना बा। जाहिद भाई के जनता के पसंद परिगीत कितना अच्छा लगल, एकरे खातिर चलब हम विनय आनंद जी के पास। अरे बाबू तू तो हमार दिल एकदम खुश कर देले बानी, हम का बताई, बहुत बहुत मीठ आवाज बा तोहार, बहुत बढ़िया बा और खुश रहा। थैंक यू सर। तीन लोगन में से केकर नंबर जानना चाहता मालिनी से। मालिनी जी से सच कहूं ईमानदारी से तो आप इस गाने को बहुत अच्छा गा सकते थे। कहीं कहीं पे सांस की कमी, यदि आपको दिक्कत हो भी तो ब्रीदिंग इसमें नहीं आनी चाहिए, सुनाई दे रही थी, लेकिन गाने का इम्पैक्ट ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। नंबर मेरी ओर से 34। थैंक यू। 34 नंबर मालिनी जी से। और आज हमार मन करता कि रवि भाई नंबर बताए। फाइनल की ओर हमनी लोग जाता नहीं, 25 लाख 11 लाख अब बारी आ गई बा अग्रेशन का, अब आ जाओ निकाला अंदर से और वो आवाज में आए के चाहिए, वो वॉर दिखे के चाहिए कि युद्ध चला था, ये कोनो मजाक नहीं खे, ये मंच के लम मंच की तरह ये जीवन बदले ला, ये मंच
ये सब लोगन के सोचे के चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 35 नंबर देता नहीं तोरा के। थैंक यू सर। 35 नंबर, इतना डांट के 35 नंबर, प्यार से देता तो 40 हिल जाए। कल्पना जी जाहिद खातिर। बहुत बढ़िया लगा, बहुत मीठा गाते हो आप। थैंक यू। जाहिद, मैं चाहूंगी दो लाइन आलोक की इस खाली अंतरे की सुनिए आप। पहली बार हम निकले हैं घर से किसी अनजान के संग हो, अनजान से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग से, तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना, ना करना मुझे तंग हो, संग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, कहीं ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, वादियां ठहर जाएंगी दिशा ठहर जाई, एक हम आसान में रवा साहब ने टीवी के सामने थोड़ा देर खातिर ठहर जाई, आमने सामने बाटे यूपी और बिहार, ना तो चली लाठी ना तो तलवार, तुरंत हाजिर होता नहीं लेके आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। एक ओरी यूपी बाटे एक ओरी बिहार, ना तो चली लाठी ना तो चली तलवा, खाली चली भैया सुर के धार, सुर संग्राम भोजपुरिया, चली यहाँ सुर के धार, सुर संग्राम भोजपुरिया, चली खाली सुर के धार। स्वागत बाटे आप लोगन के आपके बस पसंद आपके दिल में बसल आपके कार्यक्रम सुर संग्राम द्वितीय महा युद्ध। जाहिद मियां के बाद अब बुलावतनी है महासंग्राम में शनिवार के जिनके पास उत्तर प्रदेश के विजय पत्र दू बार से मिल रहल बा। जोरदार ताली से स्वागत करी गाजीपुर के सुरीला धरोहर बाबू मनोहर। इससे पहले कि गाना गावें हम आपके बतावल चाहतनी कि जनता गाजीपुर के, जनता ओ क्षेत्र के, पूरा पूर्वांचल के मनोहर के बारे में का सोचत या और इनका से का सुनल चाहत दिया। मनोहर तो हर गाना सुन के हम लोगों के गाजीपुर के शान बढ़ेला। मोहन राठौड़ के बाद अगर कोई भोजपुरी के साम्राज्य में उनका उत्तराधिकारी बा तो वो तो ही बड़ा। मनोहर तो हर गाना अच्छा लगा ला, तो उत्तर प्रदेश का शान हुआ। मनोहर आपकी गायकी में हम लोगों को असली भोजपुरी रंग दिखता है और मैं वही गाना आपसे सुनना चाहूंगी जो पिछले साल मोहन राठौर ने गाया था माड़ो गीत में। आज जनकपुर में माड़ो। बेटा मनोहर छाप के गाइए, उत्तर प्रदेश का जिताइए। जनकपुर में माड़ावा
यूपी के जनता मनोहर के बार बार मोहन राठौर के जगह देख रहल बिया। सच कहूं, आपने मोहन से अच्छा गाया। मालिनी जी के तरफ से नंबर कितना मिली? 39। 39। मनोहर सही फॉर्म में हो और वो बरकरार है मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया। अद्भुत बाड़ा तू, अद्भुतम बाड़ा तू, अद्भुतास बाड़ा तू, हर हर महादेव। 38। अब विनय आनंद जी के जी अतिथि जजबाड़े, हम पहले आपे के हैं जैतनी, लेकिन आज हम थोड़ा नियम के उल्लंघन करके गाड़ी के तनसा ना वो सर बरवाड़ी फैजाबाद होते ले। मनोहर बाबू खुश रहिए, और आपने मुझे एक व्यक्ति की याद दिला दी, मोहन बाबू की, जो यहाँ बैठे हुए हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि ब्याह का गाना चल रहा था, शादी का कुछ एपिसोड चल रहा था, और हमारे मोहन बाबू ने एक गाना गाया था कि शायद बांध के खुलाई। मोहन बाबू जी भैया, देखिए हम यह कब के भैया जनता के गुजारिश होती है, रिक्वेस्ट होती है, और मारो खोले वाला गाना रहे, रउआ वो गाना हमरा के तनी गा के सुनाई अपन मधुर आवाज में। ए पसंद के हमनी के नोट कर लेनी जा, आपके गाना आज सुनवाई। बहुत बहुत शुक्रिया। 38 और 39 कल्पना जी के नंबर और विनय जी के नंबर अंत में बताइब हम मनोहर खातिर, और चल के अपनी कुर्सी पर बैठ जा। जय हो। और अब हमनी के विनय जी के बात के ध्यान में रखते हुए मोहन राठौर माड़ो खोले वाले गीत के साथ मंच पे। पीस के तनी पीस के बांधी के खोलाई समधि मांगे समधि निया के, बांधी के खोलाई समधि मांगे समधि निया के, बांधी के खोलाई समधि मांगे समधि निया के, मारावा में भीड़ भइल भारी, ए हो मारावा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदा खोलाई समधि मांगे समधि निया के, मारावा में भीड़ भइल भारी, अरे बा भाई बा, एहो मारावा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदा समधि, मारावा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधि। Oh,
रवा सब आनंद लींद आनंद के सागर में डूब के लगाई जा, जहां सब कुछ भोजपुरी संगीत भोजपुरी के संस्कृति के आसपास सब कुछ वही से ओतप्रोत बाटे। एक घमासान में विजय पत्र आज केकरे पास बची और के आज सबसे नीचे मार्किंग लेके खतरा में फंसी। रवा सब देख रहा बनी जा हमनी के भोजपुरी संगीत के महासंग्राम आमने सामने बाटे यूपी और बिहार। ना तो चली लाठी ना तो चली तलवार, चली खाली सुर के धार, देखत रही जान। सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध, आमने सामने बाटे यूपी और बिहार। ना तो चली लाठी ना तो तलवार, चली खाली सुर के धार, देखत रही जाही अगमासान। सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। कलाकार तो हमेशा बच्चे होला, चाहे ओकर उम्र कुछ हो जाए, वो हमेशा बच्चा के तरह सोची, बच्चा के तरह हंसी, बच्चा के तरह बोली, बच्चा के तरह व्यवहार करी, लेकिन अपन सपना नहीं छोड़ी। हम बुला रहल बानी अपने वही एगो सपना के लेके चल रहल भी है वो लड़की, जो न जाने कितने बार अपने संगे देले बिया सुर के घमासान के दावत। हम बुलाई आज जिनके पास विजय पत्र बाटे, बिहार के आन ममता रावत। आज जनता के पसंद के बात होता थे ममता जी, और जनता के पसंद के बात रहे तो हमनी के तोहरे गांव के आसपास, तोहरे झारखंड में, तोहरे रांची में हमन के टीम गईल, लोगन से पूछल ममता के बारे में का सोच बाटे, जनता तोहरा से कैसन गीत सुनल चाहतिया और का भाव रखतिया, ये तोहरे सामने बाटे। हाय ममता दी, मेरा नाम मुग्धा है। हम रांची की लड़कियों को आप पे बहुत गर्व है और हम चाहते हैं कि इस बार का फाइनल्स आप ही जीतो। हमके ये लगा था ईशन कि ये बारी कोनो लड़की ही जीती सुर संग्राम के। ममता, वाकई तुमने झारखंड का नाम रोशन किया है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी पसंद का एक गाना गाओ, फुलौरी बिन चटनी कैसे बनी। फुलौरी बिन चटनी कैसे बनी।